तो दोस्तों ये है कानपुर का घंटाघर। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक, इतनी सवारी नहीं जितना यहाँ पर ई रिक्शा चल रहा है। देखिए दोस्तों क्या हाल हुआ पड़ा है। ये घंटाघर चौक है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही जबरदस्त ट्रैफिक रहता है यहाँ दोस्तों। इसका कोई सोल्यूशन करती नहीं है गवर्नमेंट। गाड़ियों की तो बात दूर है, पैदल आदमी भी यहाँ पे चौक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अरे भैया हमें भी रास्ता दे दो थोड़ा सा। जो भी जरूरत का सामान है स्टेशन से बाहर चालू हो जाता है। ट्रैफिक बहुत है भाई। दोस्तों आज हम चल रहे हैं कानपुर से दिल्ली बाय ट्रेन। तो चलो दोस्तों आज आपको ट्रेन से घुमाएंगे। ये है दोस्तों प्लेटफार्म नंबर के ऊपर, वन के ऊपर खाने पीने की व्यवस्था का। इधर कैंटीन है और इधर कुछ स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, चाय वगैरह। तो हमने एक चाय ली है और एक चिप्स ले लेते हैं, सेब तो ले लिए हैं। हमारा काम चल जाएगा, 5-6 घंटे लगेंगे। ट्रेन के अंदर से हम पकौड़े वगैरह नहीं खाते भाई, बड़े ऑयली होते हैं, कुछ क्वालिटी ठीक नहीं होती। तो दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन में रश बहुत है, देखते हैं भाई सीट मिलती है नहीं मिलती। पहले तो टीटी को ढूंढे, टीटी से बात करते हैं, अगर कोई सीट का अरेंजमेंट होता ठीक है, कहीं ऐसा ना हो भाई खड़े होके जाना पड़े। तो दोस्तों हमको सीट मिल गई थी 15 नंबर। शुक्र है गाड़ी में तो काफी भीड़ है, लेकिन अपने को सीट मिली बहुत बढ़िया। गाड़ी पूरी पैक है, लेकिन टीटी साहब ने हमारे लिए एक सीट का अरेंजमेंट कर दिया। तो इस ट्रेन का पहला स्टॉप था इटावा। इटावा पे रुकी है और उस चाय पानी पीने के बाद हम निकल पड़े हैं। ट्रेन चल पड़ी है इटावा से दिल्ली के लिए। दोस्तों टुंडला जंक्शन है, यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ कानपुर वगैरह लखनऊ वगैरह के लिए बनकर चलती हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है ये टुंडला। इससे पहले एक स्टेशन गया था फिरोजाबाद, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी नहीं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, कांच की आइटम्स वगैरह के लिए बहुत मशहूर है, सारा इंडिया में, और एक्सपोर्ट भी होता है कांच का काम सामान, चूड़ी वगैरह। तो फिरोजाबाद बहुत मशहूर है कांच के काम के लिए।
और उसके बाद ये टुंडला स्टेशन आता है। टुंडला स्टेशन से कानपुर, लखनऊ, बनारस वगैरह की गाड़ियां यहाँ से बनकर चलती हैं। बहुत बड़ा जंक्शन है। तो चाय पी ली जाए। हेलो, चाय तो दोस्तों अपनी गाड़ी निकल चुकी है टुंडला से, लेकिन इसके पीछे पीछे साथ में बिल्कुल कालका आ रही है। तो शायद कालका को क्रॉस कराएंगे। अगर क्रॉस कराया तो अपनी गाड़ी बहुत लेट हो जाएगी। देखो क्या करते हैं। फिलहाल तो टुंडला स्टेशन पे हम आगे ही चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो ट्रेन के साथ हम लोगों का शुरू से अट्रैक्शन रहता है बचपन से ही। इतना सफ़र करने का मज़ा बसों में, अपनी गाड़ियों में नहीं आता जितना मज़ा ट्रेन के ऊपर सफ़र करने का आता है। दोस्तों यार हम लोग बड़ा रिस्क ले लेकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई साहब। तो दोस्तों गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है हाथरस जंक्शन पे। अब हमारी गाड़ी ने दूसरी गाड़ियों को क्रॉस कराना चालू कर दिया है। हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, अब ये तेजस को क्रॉस करवा दिया। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों ये है अलीगढ़ स्टेशन जंक्शन। यहाँ से भी कानपुर, लखनऊ, बनारस, यूपी के लिए, पटना के लिए गाड़ियां बनकर चलती हैं। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा स्टेशन है ये। तो हमारी गाड़ी ने ज़्यादा लेट नहीं किया, कवरिंग कर ली है, टाइम से है, देखते हैं दिल्ली तक गाड़ी जाती है नहीं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी अलीगढ़ स्टेशन को क्रॉस करते हुए तो पैसा वापस गरम गरम मिलेगा भैया। एक मिनट आजा भैया, जरूर जाओ दे दी यार एक प्लेट। कितने की है? 20 10 वाली 20 में।
अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम उतर गए हैं। तो दोस्तों अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।